वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल है प्यूरेबल ऑर्गेनिक और मैं नई नई वीडियोस लाती रहती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, जैसे कि रेजिन आर्ट, कैंडल, सोप और भी बहुत सारे। हम लोग जैसे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देखते ही हो। तो आज मैंने बनाया है रेजिन का नेम प्लेट जो कि मुझे ऑर्डर आया है यूट्यूब से ही। YouTube के एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है। उनका एक दो और भी चीज़ों का ऑर्डर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये किस तरीके से मैंने बनाया है ये पूरा वीडियो, ये मैं आज आपको दिखाती हूँ और फिर हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। पर उससे पहले, आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या और चीज़ें देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो बस अभी हम लोग चलते हैं मेकिंग की तरफ। सो सबसे पहले हम ले लेंगे मोल्ड, और मैंने जो लिया है ये मोल्ड मेरा नेम प्लेट और ट्रे दोनों में ही मैं यूज़ करती हूँ। इसमें जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स या थोड़े डस्ट वगैरह हटाने के लिए हम ऐसे सेलो टेप का यूज़ करेंगे जिससे अच्छे से क्लीन हो जाए। धोने के बाद भी थोड़ा सा डस्ट इम्प्योरिटी रह जाती है मोल्ड्स में, तो इसीलिए मैं ऐसे सेलो टेप का यूज़ करती हूँ जिससे सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो भी इसके ऊपर आ जाते हैं और ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। अच्छे से साफ़ करने के बाद अब हम लेंगे रेजिन। रेजिन को मेरे पास जो रेजिन है वो है 3:1 का रेशो वाला। तो सबसे पहले मैं रेजिन काउंट कर लूँगी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हार्डनर। हार्डनर मैं वो भी मेजर कर लेती हूँ, और दोनों को ही ना बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। बहुत बार क्या होता है कि जब अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करते हो ना तो रेजिन अच्छे से ड्राई नहीं होता है, स्टिकी रह जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो आर्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है और कड़क नहीं हो पाता है। तो आपको सबसे पहले रेजिन और हार्डनर का जो क्वांटिटी है जैसे कि दिया हुआ है, अगर आप 200 ml ले रहे हैं अपना रेजिन, तो आपको हार्डनर जो है वो 66 ग्राम या 66 ml लेना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम जो भी आप पिगमेंट यूज़ कर रहे हो पेस्ट, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको मिलाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हो वैसे ही आपको करना है। थोड़ा थोड़ा आप ऊपर कम ज़्यादा अपने हिसाब से कलर चेक कर सकते हो। किसी को डार्क कलर का चाहिए रहता है, किसी को लाइट कलर का, तो आप उस अपने शेड के अकॉर्डिंगली कलर मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मुझे एकदम पर्पल कलर का चाहिए तो इसलिए मैं इसमें और कलर ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं कलर इसमें ऐड करके देखूँगी कि जो मेरा डिज़ायर कलर है वो आया या नहीं। अभी देखो ये कैसा पर्पलिश एकदम ओपेक पर्पल आ गया है, तो मुझे वैसा ही चाहिए। और इसमें मैं हल्का सा ग्लिटर इफ़ेक्ट देने के लिए सिल्वर माइका यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अगर आपके आर्ट में ऐसा यूज़ करना है तो आप करो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और आज मैं इसमें एक पहला जो फर्स्ट कोट है मेरा, क्योंकि मुझे ये मोल्ड से ही बनाना है, तो पूरा मैं इसको इस तरीके से पतला सा लेयर इसमें डाल के और आज मतलब 24 आवर्स के लिए इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। बस इस तरीके से हम लोग पूरा, ये अपने आप ही फैल जाता है, अदरवाइज़ आप स्पून की हेल्प से चारों तरफ इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो। और ये फैलने के बाद बस आपको कुछ नहीं, आपको रात भर इसको 24 आवर्स के लिए रखना है और नेक्स्ट डे एकदम स्टिफ हो जाएगा, तब इसके ऊपर एक नेक्स्ट लेयर आपको डालना है, ठीक है ना। तो बस ये अब हो गया है। आप चाहो तो इसमें अगर आपको बबल्स दिख रहे हैं तो आप हॉट गन भी यूज़ कर सकते हो, और हॉट गन से क्या होगा, जो भी छोटे छोटे बबल्स आए होंगे वो पूरे मतलब फिनिश हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हॉट गन यूज़ किया मैंने, और इसके बाद मैं इसको ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी।
तो गाइस आज सेकंड डे हो गया और ये बहुत अच्छे से सूख गया है। थोड़ा सा अनइवन भी हुआ है ये मोल्ड की वजह से। तो आज मैं इस पे सेकंड कोट डालूँगी इसका लेयर को और थिक करने के लिए। सेम कलर का ही हम लोग इसमें सेकंड लेयर डालेंगे, जिससे जो ये लेयर है मोल्ड का जो थिकनेस है हमारा जो नेम प्लेट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। तो आज मैंने इसके ऊपर एक सेकंड लेयर और डाल दिया है। आज भी हम इस पर कुछ टेक्सचर नहीं करेंगे, सिर्फ सेकंड लेयर डालेंगे फॉर थिकनेस। और सेकंड लेयर डाल के हम इसको 24 आवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए आज भी रख देंगे। देन हम कल इसके ऊपर थर्ड लेयर डालेंगे जो हमारा फाइनल लेयर होगा। और हम इस पर कुछ क्रिस्टल्स भी ऐड करेंगे, जैसे कि आपने देखा ही है वो नेम प्लेट में स्टार्टिंग में। तो बस आज इसको हम प्लेन लेयर डाल के 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से पूरी तरफ अच्छे से फैला लूँगी और ये छोटे छोटे जैसे बबल्स आ जाते हैं तो आपको इसको रिमूव करना रहता है हॉट गन से। आप हॉट गन यूज़ कर सकते हो या टॉर्च यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास है आप उससे इसका जो भी सारे बबल्स हैं वो रिमूव कर सकते हो। और डस्ट वगैरह ना लगे इसके लिए आप इसको ढक के भी रख सकते हो। मैं जब भी 24 आवर्स के लिए रखती हूँ तो मेरे पास ऐसा एक प्लास्टिक का कवर है, मैं इसके ऊपर वो ढक देती हूँ जिससे कोई भी डस्ट ना लगे। थर्ड डे हो गया है और ये बहुत अच्छे से पूरा स्टिफ टाइट हो गया है। आज हम इसके ऊपर ये जो फायर पीट्स होते हैं ये असेंबल करेंगे, चारों तरफ लगाएंगे। मैं एकदम ट्रांसपेरेंट फायर बीट्स ले रही हूँ, बहुत अलग अलग कलर्स के सब आते हैं, कुछ वाइट, ब्राउन, ग्रीन, सब बहुत अलग अलग कलर्स के आपको मिल जाएंगे। बट मेरे पास जो आज मुझे लगाना है वो ट्रांसपेरेंट फायर बीट्स हैं। तो इसको मैं चारों तरफ अच्छे से असेंबल कर लूँगी और इसके बाद हम एक ट्रांसपेरेंट रेजन का लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। सो मैंने अभी रेजन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, 3:1 के रेशो वाला रेजन मैंने ले लिया है और चारों तरफ ये फायर पीट्स को भी मैंने अच्छे से असेंबल कर लिया है। जिस तरीके से आपको दिख रहा है आप वैसे ही कर सकते हो। थोड़ा पतला लेयर भी आप इसमें लगा सकते हो या जगह जगह पे कहीं पर साइड कॉर्नर्स पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब मैं इसके ऊपर पूरा रेजन से इसको स्टिफ कर दूँगी। रेजन इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा कि एकदम कड़क हो जाएगा ये पूरा नेक्स्ट डे। तो जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ वैसे आप इसके ऊपर रेजन अप्लाई कर दोगे पूरा, जिससे जो फायर पीट्स हैं वो इस नेम प्लेट पे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए, एकदम अच्छे से चिपक जाएंगे। ये प्रोसेस आपको बिल्कुल आराम से करना है और ऐसा ये करने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इसके ऊपर फिर बाद में जो भी आपको कलर, सिल्वर, कॉपर या फिर गोल्डन, जो भी आपको कलर इस पर करना है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी हम इसको भी इवनली अच्छे से फैला लेंगे और अच्छे से फैलाने के बाद हम इसमें भी टेक्सचर क्रिएट करेंगे पूरे स्पून की हेल्प से। मैं इसको अच्छे से फैला लेती हूँ। जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़े फायर पीट्स कम है या कुछ अलाइनमेंट सही नहीं है तो आप अभी 1-2 घंटे तक तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो। आपको थोड़ा और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बस अभी इसके बाद इसमें बहुत अच्छे से होने के थोड़ी देर के बाद मैं गोल्डन मेटालिक कलर यूज़ करूँगी और टेक्स्चर क्रिएट करूँगी। हल्का हल्का गोल्डन कलर करना है आपको टूथपिक या फिर किसी भी वुडन स्टिक की हेल्प से, जिससे ज़्यादा भी ना दिखे, बस हल्का हल्का एक टेक्सचर आ जाए। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। फिर हम इसको ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद ये थोड़ा सा और अभी फैलेगा। मैं ये ट्राई करके देख रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा इस पर गोल्डन लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो पर मैंने सोचा कि जब ये पूरा सूख जाएगा ना तभी मैं रेजिन में मेटालिक कलर मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई करूँगी तो अच्छा टेक्सचर आएगा। सो गाइस ये आज पूरा रेडी है, अच्छे से ड्राई हो गया है। तो आज 4th डे है और लास्ट डे है, आज मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूँगी। इस पर मैंने सबसे पहले वुडन स्टिक से मैं यूज़ कर रही थी कलर करना,
बट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ब्रश यूज़ करा, ब्रश से मैंने सोचा ब्रश से भी मैं अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ना कैसा अनइवन है, क्रिस्टल्स हैं। तो वो बहुत देर तक मैंने किया पर उससे भी मतलब पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है। तो अभी ब्रश से करने के बाद फिर मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही करती हूँ, मतलब फिंगर से करूँगी तो बहुत अच्छे से चारों तरफ से मैं स्प्रेड कर सकती हूँ। तो बस फिर मैंने चारों तरफ इसको लगाया और आज ही मैं इस पर जो भी कटआउट है वो भी मैं इस पर पेस्ट कर दूँगी। कहाँ से कटआउट में अवेलेबल करवा मतलब होता है वो भी मैं नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी जाके ऑर्डर कर सकते हो, या अपना नेम प्लेट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं सब डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा रॉ मटेरियल और ये कटआउट्स को अवेलेबल करना। अब ये गोल्डन पूरा अच्छे से होने के बाद क्रिस्टल, अब हम इस पर हमारे कटआउट्स पेस्ट करेंगे। आप छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपको चाहिए इस तरीके से आप अपना साइज़ का कटआउट बनवा सकते हैं और उस पर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। इसके नीचे एक ग्लू रहता है, गम रहता है, तो इसलिए पहले वो लेयर निकाल लो, उसके बाद उसको अच्छे से पेस्ट कर दोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है, निकलता नहीं है। ये अच्छे से इस पर पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर भी एक पतला सा फॉइल रहता है ट्रांसपेरेंट, ये निकाल दो, और उसके बाद बहुत अच्छा एक मेटालिक लुक आता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये इसके ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो भी निकाल दी है। तो अभी ये जो हमारी नेम प्लेट है वो एकदम रेडी है। अब मैं इसको मोल्ड में से निकाल दूँगी। मोल्ड में से निकालने के बाद इसके जो एजेस हैं साइड्स में हैं वो भी मैं इस पर पेंट कर लूँगी, क्योंकि ये अदरवाइज़ ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा। तो मेरा जो मेटालिक कलर है मैं उससे इसके एजेस को भी, साइड के जो सारे कॉर्नर्स हैं चारों तरफ, वो मैं पेंट कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पेंट करना है। आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऐसे करके चारों तरफ अच्छे से पेस्ट करना है इस तरीके से, तो ये प्रॉपर बहुत अच्छा लुक आएगा। पूरा आप इसको चारों तरफ से पेंट कर लीजिए और इसको फिर 24 आवर्स के लिए रख छोड़ दीजिए, और ये आज हमारा जो नेम प्लेट है वो बनके रेडी है। ये मेरा नेम प्लेट अब रेडी है। देखिए आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।